हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे घर में ये पुराने मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसे कुछ बनाया जाए। तो मैंने इसमें वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया, उसके बाद मैंने ग्रीन रिबन दिया और एक थोड़ा मोटा सा एक वायर लिया, जिसको मैंने ग्लू की हेल्प से इस रिबन में अच्छी तरह से अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद इसके साइड को भी मैंने ग्लू की हेल्प से अटैच कर लिया, और अटैच करते हुए इसको मैं एक पत्ती की तरफ शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स बचे हुए थे उनको मैंने कट कर लिया, और कट करने के बाद ये कुछ पत्ते जैसा लग रहा था, तो मैं यहाँ पर इसे आम के पत्ते की तरह लुक देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आम के पत्ते को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डिटेलिंग किया ग्रीन एक्रेलिक कलर से। मैंने इसमें जो पत्ते का रूल होता है उसको मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की, ताकि ये थोड़ा रियल इफ़ेक्ट दे सके। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंदूर का इफेक्ट लाने के लिए मैं यहाँ पर रेड एक्रेलिक कलर से इसके जो सामने वाला पोर्शन है उसको मैंने कलर कर लिया। और ये जो मिट्टी का बर्तन है, हमारे यहाँ इसे घट बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। इसी तरह से मैंने कुछ और पत्ते को भी रेडी कर लिया, और ये जो घट है उसके ऊपर मैंने पेंसिल से आउटलाइन कंप्लीट कर लिया। आउटलाइन कंप्लीट करने के बाद मैंने इस पर कलर करना स्टार्ट कर लिया। तो इस पर मैंने रेड कलर से कुछ सिंबल्स बनाए, जिसे हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। ये वाला जो सिंबल आप देख रहे हैं, इसको हम माता लक्ष्मी की स्वरूप मानते हैं। सिर्फ माता लक्ष्मी ही नहीं, हमारे यहाँ पर कोई भी देवी का अगर पूजा हो, जिनके लिए अगर हमारे यहाँ पर मूर्ति ना होकर इस तरह की घट में अगर किसी भी देवी का पूजा हो, तो हम इसी तरह का सिंबल को ड्रॉ करते हैं, जो हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इस तरह से मैंने इसमें कुछ और सिंबल्स को ऐड किए, जैसे श्री होता है, पद्म होता है, स्वास्तिक होता है, उसी तरह से मैंने कुछ ड्रॉ करते हुए इनको रेडी कर लिया। बाय द वे, मैं यहाँ पर एक डोर हैंगिंग बना रही हूँ। तो मैंने कुछ फूल लिए, एक थोड़ा मोटा सा थ्रेड लिया और कुछ गोल्डन बीड्स दिए, जिससे मैं कुछ हैंगिंग्स बना रही हूँ। इन हैंगिंग्स को मैं, अगर आप वीडियो के पहले देखे होंगे, तो इस घट में ना मैंने 3 होल्स किए थे। उन होल में से नीचे वाले होल में मैंने पहले वाला हैंगिंग को ऐड किया, उसके बाद मैंने 2 बीड्स इंसर्ट किए, और बीड्स इंसर्ट करने के बाद उनमें मैंने नॉट टाई कर दिया, ताकि ये मतलब खो लेना और टाइट होकर एक जगह पर टिके रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट टाई कर दिया। नोट टाई करने के बाद मैंने इसके साइड में भी वैसे ही 2 हैंगिंग को अटैच कर लिए, और अटैच करने के बाद मैंने पहले जो पत्ते बनाए थे उनको भी मैंने यहाँ पर ग्लू की मदद से अटैच कर लिया। मैं यहाँ पर डेंड्राइट का यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास ग्लू गन नहीं है, मैंने ऑर्डर दिया है, इसे आने में बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत टाइम बाकी है, तो जब आएगा तो मैं ग्लू गन का यूज़ करूँगी, अभी तो मैं डेंड्राइट का यूज़ करती हूँ। और मेरे पास ना कुछ बल्ब पट्टी बचे हुए थे, तो उनसे मैंने क्या किया, ये जो आम देख रहे हैं नारियल जैसे शेप देते हुए मैंने इसको बनाने की कोशिश की, और इसको मैंने पूरी तरह से एक्रेलिक कलर से कलर कर लिया। तो मैं करना तो ब्राउन चाहती थी, पर मुझसे कुछ और ही कलर बन गया और कुछ और ही पेंट हो गया। तो उसके बाद भी मैंने उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स दिए, पर फिर भी मुझे लग रहा था, ब्राउन कलर भी मैंने किया, ब्राउन कलर करने के बाद भी मुझे लगा कि नहीं, ये वैसा वाला पूरा रियल वाला नारियल का फील नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, जो रियल वाला नारियल होता है ना, उसका जो ये जो रुई वाला पार्ट होता है उसका, जो उसको मैंने निकाल लिया और उसको मैंने अच्छी तरह से ग्लू की हेल्प से इसमें अटैच कर लिया।
और उसके बाद इसको भी मैं ग्लू की हेल्प से उन पत्तों के ऊपर अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर मैं डोर हैंगिंग बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर दो डोर हैंगिंग बना रही हूँ, एक मेरे घर के लिए और एक मेरे मामा के घर के लिए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर अच्छी तरह से अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं जो दो साइड में दो रस्सी है ना, उनको मैं हैंगिंग के लिए यूज़ करूँगी, तो उनके ऊपर भी मैंने बीड्स को अच्छी तरह से लगा लिया। और बीड्स को लगाने के बाद ना मुझे वैसा जो मुझे लुक चाहिए था वाओ वाला वो नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसको फिर से खोला और उसमें रुद्राक्ष लगा दिया। और आप देख सकते हो रुद्राक्ष लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रहा है। तो आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।